थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बाय। इसको इसको फोटो चाहिए, कितने फोटो चाहिए? बिग बॉस हाउस में आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन? बेस्ट फ्रेंड मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे मौजूद थी प्रिया शंकर, बट उसके साथ मेरी दोस्ती वापस हो गई। आई थिंक ये मंच मिला तो कहीं ना कहीं हमारी बातें नहीं हो पा रही थी, तो आई थिंक इस मंच की वजह से हम वापस रियूनाइट हो गए। एंड अभिषेक के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा हो रहा था। तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी बिग बॉस हाउस से निकलने का आपके पास आपके साथ अनफेयर हुआ? ये है मेरे दोस्त, क्या बात है, थोड़ा पेशेंस रखिए। इसका मतलब हम समझे कि आप वाइल्ड कार्ड एंट्री भी कर सकती हैं? आई डोंट नो ऑनेस्टली, बट मैं होप करूँगी अगर वो चांस मिला तो मैं बस ये कहूँगी कि वेट करो। वन लास्ट क्वेश्चन मैम, आपको कौन लगता है बिग बॉस में सबसे ज़्यादा टफ आपके लिए थे? टफ एक्चुअली सही बताऊँ तो मेरे मैं ही को भी कॉम्पिटिशन थी, मैं बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ गई थी, साथ गई थी, मेरा कोई गेम प्लान नहीं था। अगर आप लोगों ने एपिसोड भी देखे होंगे तो आई थिंक आई वेंट इनसाइड द वेरी क्लीन स्लेट, बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ मैं गई थी, तो मैं खुद की कॉम्पिटिशन थी, रोज़ अपने साथ मुझे कंप्लीट करना था। सो हाँ, बट जर्नी बहुत अमेजिंग थी जितनी भी थी, बट लेट्स वेट टू द बेस्ट नाउ। इतने जन आपके बेस्ट फ्रेंड बने, सबके साथ आपके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग था, तो आप किसको टॉप फाइव में देखते हैं? मैं तो ऑल द वे अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज वो जो बंदा खेल रहा है वो रियल है, मुंह पे है जो है, एंड वो मेरे साथ हर चीज़ में खड़ा था, चाहे मेरे वो कॉफ़ी का पचड़ा हुआ उसमें खड़ा था, पूजा मैम को लेके भी खड़ा हुआ था, वो भी मेरे साथ खड़े थे पूरा टाइम, एंड आई थिंक वो जो बंदा खेल रहा है पूरा ट्रांसपेरेंट खेल रहा है।